टाटा एलेक्सी के स्टॉक के बारे में, टाटा एलेक्सी के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पहले ही यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, जिसके बाद से अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे गिरावट के बाद भी स्टॉक ने अपने लो को ब्रेक नहीं किया और अभी हमको जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब अगर यहाँ पर स्टॉक अपने इस रेंज को ब्रेक करता है, देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी वन साइड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज हमको यहाँ पर स्टॉक में अराउंड 3% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से स्टॉक में ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से अभी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 7463 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है, देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी गिरावट, एक हैवी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 7210, देन यहाँ से हमको स्टॉक में 6840 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 6482 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 7810 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है, देन यहाँ से हमको स्टॉक में 8200 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया, देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी तेज़ी एक अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 8794, देन यहाँ से हमको स्टॉक में 9191 और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है, देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 9500, उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 10,000 और 10,500 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।